बालाघाट जिले में दिनों दिन यातायात बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं शहर को चारों मुख्य सड़क से रेलवे फाटक ने घेर रखा है। वहीं अब ओवर ब्रिज की मांग बढ़ते ही सीमांकन प्रारंभ कर सड़क मार्ग को अतिक्रमण मुक्त की कार्यवाही नगर पालिका व राजस्व विभाग ने पुलिस के सहयोग से भटेरा रोड पर प्रारंभ कर दी है। इस कार्यवाही के प्रारंभ होते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। कितनी दुकानों को चिन्हित किया और क्या कार्रवाई होगी सर? आदि तक 7 दिन पहले लगभग हम लोगों ने 120 मकान और दुकान सभी को चिन्हित किया था जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे थे। उन लोगों को हम लोगों ने चूना मार्किंग भी करा दी थी। इसके बाद आज हम लोगों ने देखा कि लगभग 90% लोगों ने अपने टीन सेट और जो दीवारें आगे बढ़ी हुई थी वो हटा ली है। कुछ जो टीन सेट नहीं हटे थे उनको हटाने की कार्रवाई हम लोग चौराहे पे कर रहे हैं। कुछ जो मकान थे उनको चिन्हित किए थे लोगों ने, जो 3-3 फीट वो भी अतिक्रमण में थे, जो कि 3 से 4 दिन के अंतराल में हम लोग अभी डेरा जो ब्रिज बनने वाला है उसका सर्वे कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए अभी उन बड़े हुए मकानों को हम लोगों ने तोड़ने की कार्रवाई नहीं की, जो सेट वगैरह थे उनको हटवाने की कार्रवाई कर दी। बाकी कार्रवाई कब की जाएगी सर, जो ओवर ब्रिज प्रस्तावित हुई यहाँ पर? लगभग अभी 3 से 4 दिन के बाद हम लोग सर्वे का काम चालू करेंगे। सर्वे में जितने मकान जितने अंदर तक आएंगे अतिक्रमण के दायरे में या हम लोग को अतिक्रमण करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको हटाने की आगामी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत में नोटिस जारी कर दिया जाएगा लोगों को, जो अधिकरण करना है। हाँ, सर्वे का काम होने के बाद नोटिस भी जारी की जाएगी। जो मकान या जितना दुकान या घर अधिग्रहण के अंतर्गत आएंगे सीमा में, उनका अधिग्रहण का हम लोग काम चालू करेंगे। जो अधिग्रहण के दायरे में आएंगे उनका अधिग्रहण करवाएंगे। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।